कांग्रेस ने फिर छिंदवाड़ा कलेक्टर को घेरा। चुनाव आयोग ने दिए एएसपी अनूपपुर और एसडीओपी पुष्पराज गढ़ को हटाने के निर्देश। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। चुनाव आयोग ने अनूपपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह और शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ में पदस्थ एसडीओपी सोनाली गुप्ता को हटाने के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत कर उनकी पदस्थापना के चलते निष्पक्ष चुनाव न हो पाने की बात कही है। कांग्रेस ने आयोग से कलेक्टर शीलेंद्र को हटाने के लिए कहा है। अनूपपुर जिले में पदस्थ एएसपी शिव कुमार सिंह उमरिया जिले के रहने वाले हैं, जो शहडोल लोकसभा क्षेत्र में आता है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में उनका गृह क्षेत्र होने के कारण आयोग ने सिंह को हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं पुष्पराजगढ़ एसडीओपी सोनाली गुप्ता 5 साल से शहडोल जिले में अलग अलग स्थान पर पदस्थ हैं। इसके चलते गुप्ता को भी हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस सेवा के दोनों ही अफसरों को हटाने के आदेश शासन ने अभी जारी नहीं किए हैं। कल इस संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश शासन के पास पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद आदेश जारी हो सकते हैं। उधर आयोग ने दोनों अफसरों के स्थान पर नए अफसरों की पदस्थापना के लिए राज्य शासन से 3-3 नाम के पैनल मांगे हैं। एक सप्ताह में छिंदवाड़ा कलेक्टर की दूसरी कंप्लेंट। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक हफ्ते में छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की दूसरी बार शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार लोकसभा क्षेत्र में अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर छिंदवाड़ा शीलेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वे खुलकर भाजपा के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। धनोपिया ने शिकायत में कहा कि शनिवार 6 अप्रैल को एसडी लॉन नागपुर रोड छिंदवाड़ा में राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में होने जा रहा है। इसके आमंत्रण पत्र में स्पष्ट प्रकाशित है कि हर जोड़े को एक एक मोटरसाइकिल, जो कि बाजार में 1.5 लाख रुपए प्रतिवाहन है, दिया जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी जोड़ों को 1-1 लाख का गृहस्थी का सामान व जेवर दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख मतदाता उपस्थित रहेंगे। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की गई है। विवाह कार्यक्रम टीवी एवं पेपर में विज्ञापन में लकी ड्रॉ के माध्यम से चुने हुए जोड़ों को कार देने का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी के शामिल होने से स्पष्ट है कि कार्यक्रम भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू व मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। धनोपिया के निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि 6 अप्रैल 2024 को एसडी लोन नागपुर रोड छिंदवाड़ा में होने वाले राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम को निरस्त करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को तत्काल हटाने के आदेश दें, ताकि मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम न हो सके। इससे पहले 1 अप्रैल को सीएम यादव के छिंदवाड़ा प्रवास को लेकर भी चुनाव आयोग के कलेक्टर के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने को लेकर शिकायत की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।